आगामी चुनाव का नतीजा केंद्र में मोदी, राज्य में पेमा खांडू और 35 पांगिन बोलेंग में ओजिंग तासिंग आएंगे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सर आपने भी तब तो लोकपंग में सुना होगा, मौजूदा विधायक तासिंग साहब का कहना था कि तालो साहब अभी मैगी खा रहे हैं, उनका जो मीट चबाने वाला बड़ा दांत था सब धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, यानी कि जितने भी 25 साल 30 साल तक आपके साथ थे वे सब भाजपा में जा रहे हैं, आप कब तक मैगी खाएंगे? इसी 35 पांगिन बोलंग के अंदर INC जो व्हाट्सएप में पॉलिटिकल जंग जो है लड़ते रहते हैं, आंकड़ा कुछ और बताते हैं, ज्वाइनिंग 2 होता है तो आप लोग 4 बताते हैं, ऐसा कुछ व्हाट्सएप पे खेलते हैं क्या सर? ऐसा कुछ उसमें तासिंग साहब का यह कहना था कि आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये सारा चीज सियांग डैम का जो जितना प्रॉब्लम जो है पूरा तालो साहब के समय में ही उसके दस्तखत के बाद ही आया वाला चीज है, ऐसा कुछ ओजिंग तासिंग से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी आ जाइए और भी कैंडिडेट होगा वो भी आ जाइए, उसको भी मैं इनवाइट करो तो आपसे वेयर द मनी हैज गॉन, दैट इज द बिग क्वेश्चन मार्क, उसका डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा और किरण में उस समय आपको बुलाएगा फिर दोबारा पूरा माने खत्म, इवन हमारे MC में भी आपने हमको जीरो बना दिया, आप एक चीज आपको याद रखिए किरण जी, और तपांग डालो तो पूरा उधर एक गरम कॉन्टेस्ट करने का लायक नहीं रह गया, इसलिए आपने बनाया, तो लेटा सी किसका बाड़ी पल्ला होगा, किसका कमजोरी होगा, यू विल सी द डिफरेंस। Look!
नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज फ्रीडम न्यूज अरुणाचल की टीम फिर से सियांग जिले में है, सियांग जिले के 35 पांगिन बोलंग में। और 35 पांगिन बोलंग में पिछले काफी महीनों से हम बीच बीच में आ रहे हैं ऐसे में, लेकिन आज आपको कुछ अलग चीज देखने को मिलेगा। आज एक विपरीत चीज, उल्टा चीज देखने को मिलेगा। जब जब हम यहाँ आए हैं, आपने देखा स्थानीय विधायक और भाजपा के उम्मीदवार ओजिंता सिंह के ज्वाइनिंग कार्यक्रम वगैरह हमने आपको काफी दिखाया, लेकिन आज पहली बार 35 पांगिन बोलंग में फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आपको दिखाई देगा जहां पे भाजपा से लोग आईएनसी पे जा रहे हैं, यानी कि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता थे पिछले चुनाव में सदस्य थे, वे आज जो है फॉर्मर मिनिस्टर तालो साहब के साथ, तपन तालो जी के साथ अपना समर्थन देते हुए, हाथ मिलाते हुए नजर आए इस कार्यक्रम में। हालांकि आज का दिन का कार्यक्रम बहुत ही लंबा था, इसे हम बाद में दिखाएंगे। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री और आगामी 2024 विधानसभा चुनाव के 35 पांगिन बोलंग विधानसभा क्षेत्र के आईएनसी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री तपन तालो जी। सर, सबसे पहले तो फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आपका स्वागत है। सर, आज देखा गया कि रंगो गांव में आपका ये 12वां ज्वाइनिंग सेरेमनी है विलेज वाइज मिशन 2024 का। आज यहाँ पे देखा गया कि कुल 23 परिवार हाउसहोल्ड, 23 हाउसहोल्ड ने आपके साथ हाथ मिलाया। बताया गया कि जो ये 23 परिवार थे, सारे के सारे 2019 को उन्होंने बीजेपी को अपना वोट दिया था। वही सर, ये भी देखने में आ रहा है कि यहाँ पे जो भाजपा के उम्मीदवार है और भाजपा के कार्यकर्ता है, वो पूरा डिसाइडेड और पूरा कॉन्फिडेंट ये दिखा रहे हैं कि आगामी चुनाव का नतीजा केंद्र में मोदी, में राज्य में पेमा खांडू और 35 पांगिन बोलंग में ओजिंता सिंह आएंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये थैंक यू किरण, आपने जो बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे। मोदी और पेमा खांडू के बारे में हम इस समय कुछ भी नहीं कहेंगे। 35 पांगिन बोलंग के लिए आपने कुछ देख रहा है, देख आज तो दिख रहा, आपको तो नज़र अंदाज आपने भी किया होगा। महल किस ये पे जा रहा है आपने तो देखा होगा, कांग्रेस के पल्ला में जा रहा है ना, बीजेपी का पल्ला में जा रहा है, आपने तो पूरा देख लिया है। आज यहाँ में 23 ये 12 मास ज्वाइनिंग सेरेमनी है हमारा। शुरुआत वहाँ आपका तलाक बस्ती से किया था, वहाँ 25 हाउसहोल्ड ज्वाइन किया था, जबकि वहाँ से भी हमारा एक कार्यकर्ता ताते जमांग एक वो ने बीजेपी में ज्वाइन किया है। उस समय में देखिए आपका 25 कहाँ, एक हाउसहोल्ड कहाँ, आप उसी से अंदाज़ा लगाइए। उस दिन लोकपंग में भी आपका ये कार्यक्रम मैंने देखा था, अच्छी तरीके से मैंने देखा है। इसमें भी उस दिन एक ही परिवार इसमें बीजेपी में शामिल हो गया, साथ साथ हमारा भी एक तालुंग सारो का नाम पर एक कार्य हुआ का बीजेपी का है 2 साल, जिसके लिए ओजिंता सिंह के लिए हमारा अभी जो प्रेजेंट विधायक है उसके लिए लड़ के आ रहा था, उसने भी हमारा साथ ज्वाइन हो। इसके पहले 7 हाउस होल्ड फ्रॉम लोकपंग विलेज दे हैव ऑलरेडी ज्वाइन फ्रॉम बीजेपी टू आईएनसी, तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। और आपका इसके बाद पारंग में देखिए 37-38 हाउसेज ज्वाइन हो गया, देन पगीबोते में 22 हाउसेज, देन रीगा में 53 से लेके आज 60 प्लस हो गया, देन आपका पांकांग जोरकों कुमको आज आपने जरूर आपको तो साइट मालूम नहीं होगा 28 ज्वाइन किया था, जिसमें डबल डोज करके 1-2 को वापस ले गए थे, फिर आ गया है। साथ में और भी
दोस्त जैसा और भी प्लास्ट हो गया, आप अंदाजा लगाए। और ये रियु में उसने ज्वाइनिंग कार्यक्रम रखा, वह एक हमारा ग्राम शहर पर्सन वो उसको ज्वाइन कराया, उसके बदले हमने अभी 19+3 22 हाउसेस वहाँ से भी ज्वाइन हो गया। अब देखते जाइए, ये हमारा शुरुआत है। लेट अस होप पांगिन बोलेंग में आपका नवंबर दिसंबर जनवरी आते आते शायद बीजेपी का यहाँ सफाया हो जाए। सर, आपने भी तब तो लोकपंग में सुना होगा, मौजूदा विधायक तहसीन साहब का कहना था कि तालो साहब अभी मैगी खा रहे हैं, उनका जो मीट चबाने वाला बड़ा दांत था सब धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, यानी कि जितने भी 25 साल 30 साल तक आपके साथ थे वह सब भाजपा में जा रहे हैं, आप कब तक मैगी खाएंगे, इस तरह का कुछ कहना था, आप किस तरह से आप जवाब देना चाहिए? आप देखिए, बॉक्सिंग का ये में रिंग में जब ये घुसता है बॉक्सर सब माइक टायसन होकर घुसता है, इसलिए आपका वो नतीजा बताएगा। ओके सर, ये भी आप पे आरोप बार बार लगाया जाता है कि आईएनसी 35 पांगिन बोलंग के अंदर आईएनसी जो व्हाट्सएप में पॉलिटिकल जंग जो है लड़ते रहते हैं, आंकड़ा कुछ और बताते हैं, ज्वाइनिंग दो होता है तो आप लोग चार बताते हैं, ऐसा कुछ व्हाट्सएप पे खेलते हैं क्या सर, ऐसा कुछ है? ये आप हमारा साथ और दो तीन ज्वाइनिंग कार्यक्रम हम और रखेंगे सर, बुलाइए जरूर आएंगे, इसमें आप आ जाइए और देख लीजिए असलियत क्या है, आप देख लीजिए। यहाँ आज आपने 23 परिवार आपने खुद अपने आंखों से देखा है, ये तो आप ही बता पाएगा, इसके लिए तो यू आर द बेस्ट जजमैन हु दिस यू हु कैन उसको गिव द करेक्ट इंफॉर्मेशन। सर, एक आपका पब्लिक भाषण हाल ही में हमने सुना था, गेकू में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था काफी सारे बांगों द्वारा मिलकर सियांग डैम को लेकर, वहाँ पे आपका भाषण मैंने भी सुना था और इसी बात को मैंने तहसीन साहब से भी पूछा था, उसमें तहसीन साहब का यह कहना था कि आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, यह सारा चीज सियांग डैम का जो जितना प्रॉब्लम जो है पूरा तालो साहब के समय में ही उसके दस्तखत के बाद ही आया वाला चीज है, ऐसा कुछ कहना। ये देखिए, उसका तो रिकॉर्ड बताएगा, हमने तो उस दिन भी सुना था, एक वहाँ का एक बीजेपी लीडर जिसको अपांग साहब ने बार बार उसको तो उसका एजेंडा में नहीं था लेकिन उसने उसको पॉलिटिकलाइज किया था। हमको तो एक इंफॉर्मेशन कागज मिला था, इनविटेशन, सारा जितना भी सिटिंग MLA है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट है सबको वहाँ मीटिंग में बुलाया था, और ये तीन ये ऑर्गेनाइजेशन मिला के आपका असम का और अरुणाचल का ASW आदि ऑल आदि वेलफेयर सोसाइटी और वहाँ का एक सियांग इंडिजिनियस फोरम, वो तीनों मिला के हमको भी बुलाया था। तो हमने सोचा था सारा अगर MLA लोग अगर सब वहाँ आ जाएगा वो इसी उम्मीद में मैंने भी किया था, लेकिन देखा है कोई भी नहीं है। तो आप देखिए, अगर मीडिया में बोलने का बजाय वहाँ सबका सामने आके अपना क्लियरिफिकेशन देने से ठीक था। मैंने जब वहाँ लोअर सियांग प्रोजेक्ट के लिए रन ऑफ वाटर में जू किया था, हम जब विधायक बना था हमसे भी बिना पूछ के वो MOU साइन किया था, उसको उसी को मैंने लिखित में CM नया CM को, पुराना CM जू तो आपको मालूम है, नया CM को मैंने एक लेटर दिया था, अरे वो क्यों ऐसे हो गया, ये तो सही नहीं है। तो मैंने एक नोट लिखा था CM को, उस समय मैं दोर्जीकांडू साइड CM था, दोर्जीकांडू मैंने लिखा था द प्रीवियस गवर्नमेंट है साइन एन MOU विथ JP कंपनी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लोअर सियांग प्रोजेक्ट विदाउट गेटिंग कंसेंट फ्रॉम द पब्लिक एंड द लोकल MLA। हमने क्लियर कट लिख लिया, इसमें हमारा कुछ हमको दूसरी तरह ने का हमारा कुछ वो ये कुछ मतलब ही नहीं बनता हमको ऐसे, ये तो अब हमारा वो को रिकॉर्ड पर जाने से आपको सारा पता हो जाएगा। और अभी का जो है जिसके लिए अभी बर्निंग इशू है, जहाँ अभी यहाँ का अभी ये के लिए वो तो ऑलरेडी 70 क्रॉस हो गया जू भी हम, अभी का जू है फिलहाल जितना अभी रिजर्वर वो तो एक ये था रन ऑफ वाटर में था, अभी रिजर्वर उसको सियांग नदी को बंद करके उसको पानी को उसको रिजर्व होने दे के अभी जो प्रपोजल है उसके लिए तो मेरा जो भी ये है विधायक जो भी कैंडिडेट होगा मैं सब हम लोग एकजुट होना है, इसमें हम लोग पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए, हम उसको उसका पब्लिक का सेंटिमेंट को हम बेनिफिट उठाने के लिए हम उस दिन भी क्लियर बता दिया, हाँ ये इसमें पॉलिटिक्स मोट के लिए अगर ये अगर हमारा ये जो जो बूट देने लालू अपना वो ये जहाँ का पांगिन बोलेंगे लोग अगर उस ये को दाम को कंस्ट्रक्शन करने से बनने से
उसका काफी नुकसान होगा, तो क्यों हम बनाएगा। इसलिए मैं ओजिंता सिंह से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी आ जाइए और भी कैंडिडेट होगा वो भी आ जाइए, हम लोग सब एकजुट होकर जाएगा पब्लिक के सामने, हम लोग पब्लिक को बताना चाहिए। हाँ, हम लोग एमएलए होने से एमएलए बनने के बाद बिल्कुल हम लोग पब्लिक जैसे बोलेगा हम लोग इसी पे जाना पड़ेगा। हम उसको भी मैं इन्वाइट करो तो आपसे तो आपका मीडिया से हम मैं चैनल से माध्यम से मैं उसको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और जो भी और दूसरा और तीसरा कैंडिडेट होगा, सौ सौटा कैंडिडेट होगा, उसको भी मेरा यही रिक्वेस्ट है, मांग है कि हम सब एक साथ होके पब्लिक के हम कल एमएलए बनो ना बनो, दूसरा बनो या इसके लिए हमारा कुछ बने, लेकिन पब्लिक का सेवा, हम एमएलए बनने से पब्लिक को सेवा के लिए बनेगा ना, पब्लिक का सेवा पब्लिक को खत्म करने का हम की एमएलए बनेगा। तो इसलिए हम जो एक साथ होके ये सियांग अभी का जो प्रपोज कर रहा है, जो रात रात को जाके ये सर्वे कर रहा है, उसको उधर यूएम हेडक्वार्टर में जाके उसका डायरेक्टर को मिलने के बजाय हम यहाँ पब्लिक से मिल के सब हम लोग एकजुट हैं, सब पढ़ना है नहीं, हम विधायक बनने से बिल्कुल दाम नहीं बनेगा, लिखित में देना होगा और इसमें अंडरटेकिंग करना पड़ेगा। अगर हम एमएलए बनने के बाद विधायक बनने के बाद अगर अब हम ये इसके लिए गवर्नमेंट का अगर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कल को कांग्रेस होगा बीजेपी हम मालूम नहीं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कल बीजेपी और कांग्रेस होगा ये हमारा वो अभी हमारा वो नहीं आइडिया नहीं, लेकिन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगा स्टेट गवर्नमेंट होगा उसको तो हम लोग विरोध करना पड़ेगा। उसको विरोध करने के लिए हम सब एक से एक ही टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके हम लोग सब लेता डिसाइड करके पब्लिक को हम लोग ऐसे अभी इतना टेंशन में है लोग, यहाँ का हमारा ये मागोंग बांगो का लुगोंग बांगो का लोग बहुत परेशान है, और लोअर बेल्ट का डाउन स्ट्रीम का जो लोग है बहुत परेशान में, क्यों हम लोग आने से उन लोगों को परेशान होने देगा। हम लोग डिसाइड करता है जो भी एमएलए बनेगा सियांग डैम को विरोध करेगा, बस हम आपका माध्यम से जो भी कैंडिडेट होगा हम बुलाता है आ जाइए डिसाइड, और हमारे तरफ से हम क्लियर एप्लीकेशन दे रहा है हम एमएलए बनेगा हम बिल्कुल बनने नहीं देगा। सर वही उसी बात में मैं आ रहा था, अभी बरसात भी हो रही है, आपको भी जाना है, दिन भर आप भी बैठे हम भी बैठे, आखिरी सवाल जनरल पब्लिक के लिए, आपको क्या लगता है इन 5 सालों में सियांग डिस्ट्रिक्ट एज बहुत ही यंग डिस्ट्रिक्ट यंग जिला है, क्या क्या कुछ बदल सकता था, बदलाव आ सकता था, और जो जो बाकी रह गया क्या क्या कुछ आपका भी सपना था, अगर आप आने वाले चुनाव में जीत कर विधायक बनकर आते हैं तो आप सबसे पहले कौन कौन से जगह पर काम करेंगे, क्या एक मैनिफेस्टो की तरह क्या मैसेज आप जनता को देना चाहेंगे आज जो इस रंगों में नहीं पहुंच पाए उन लोग। मैं काफी उम्मीद और प्लानिंग के साथ ये डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया था सियांग डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने से आपको इकोनॉमिकली अपग्रेडेशन होना पड़ेगा, लोगों को सोशली अपग्रेडेशन होना पड़ेगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना पड़ेगा, इसी आशा में मैंने क्रिएट किया था। तो अभी क्रिएट करने के साथ साथ हम तो वो दूसरा एमएलए बन गया, तो उसी का रेस्पॉन्सिबल था कैसे कैसे करके डेवलपमेंट उसको ये डिजाइन करना था, कैसे डेवलपमेंट स्ट्रक्चर बनाना था उसका ये था, लेकिन आज तक कोई दिखाई नहीं दिया। हम चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को रियली आई अप्रिशिएट हिज लीडरशिप, ही द गवर्नमेंट अंडर हिज लीडरशिप इज पंपिंग करोड़ एंड करोड़ ऑफ मनी टू एवरी असेंबली सेगमेंट, ऑल्सो इन माई असेंबली दिस कॉन्स्टिट्युएंसी ऑल्सो ही इज पंपिंग करोड़ एंड करोड़ ऑफ मनी, बट द मनी द बिग क्वेश्चन मार्क इज दैट मोर मनी वेयर इट हैज गन, वेयर द मनी हैज गन, दैट इज द बिग क्वेश्चन मार्क। No significant development, no visible development has taken place in Sihang district. That is very unfortunate for the people of Sihang district. इसी के लिए हम बहुत दुखी है। अगर हम ये जो सपना लेके हम Sihang district को ये हम create किया था, Sihang district को मैंने double dose करके हम लेके आया था, मैं अगर हम विधायक बनता है तो you will see the difference. अभी का और आने में 2024 में क्या होगा, आज क्या हो रहा है, उसका डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और किरण में उस समय आपको बुलाएगा फिर दोबारा डिफरेंस हम विधायक बनने से और अभी का के किस हालत में है उसको, तो यू विल सी द डिफरेंस, दैट इज माय एक्सपीरियंस। आपने यहाँ काफी जगह में घुमा है, आपने तो हमको ऐसे माने एक ऐसे बना के आपने आपका मीडियम सोशल मीडिया में मैंने देखा है पूरा माने खत्म, इवन हमारे एम सिंह में भी आपने हमको जीरो बना दिया, तो इसलिए तो आप एक चीज आपको याद रखिए किरण जी, किरण आप
देयर इज अ ग्रेट इंग्लिश सेइंग, देयर इज अ ग्रेट स्टेटमेंट ऑफ इंग्लिश ऑथर, ट्रूथ ऑलवेज डिफीट, सच्चाई हमेशा जीत होता है। आप जितना भी झूठ बोल के मौसला वो करके ये करके कुछ घुमा फिरा के बोलेगा, वो सच्चाई उसी में नहीं निकलेगा। सच्चाई आप मुख से जीरो बनाने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल में आप जीरो बनाना पड़ेगा। तो हमारा एमसी में भी आपने शायद बहुत आशा से वहाँ लोगों से भी मिला, और तपांग डालो तो पूरा उधर एक गर्म कॉन्टेस्ट करने का लायक नहीं रह गया, इसलिए आपने बनाया। तो लेटा सी आप तो हमारा साथ अभी भी 20-20 में आ जाइए, आप इसी में अंडा लगा सकेगा किसका पल्ला में वेट जा रहा है, किसका बाड़ी पल्ला होगा, किसका कमजोरी होगा, यू विल सी द डिफरेंस। सर हमें इनवाइट कीजिए, हम जरूर आएंगे, और जैसा आज का दिन था जैसा बाकी दिन होगा हम वैसा ही दिखाएंगे। हम इनवाइट करते रहेगा, और आपको तो इतना मोस्टली मीट मोस्टली आपको ऐसे अपंग आशा से खिला पिला के आपको इतना प्यार से हम भेज देगा। चलिए, हमको भी झूठ नहीं बोलेगा, और हमको भी झूठ बोलने के लिए आप हमको दबोच नहीं करना है। लेट मी स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ ऑलवेज डिफीट। ठीक है सर, ठीक है। तो ऐसे हम जैसे आपको जैसे रीगा बस्ती में अजिंता सिंह को जीरा बोले, आपका इस समय विधायक उसको जीरो बोलने से नहीं होगा, ऐसे होने से तपांग था वो पागल हो गया, आप बोलना पड़ेगा। चलिए सर, बुलाएगा हम जरूर आएंगे, एंड गुड लक, जल्दी आपको देखने मिले। जरूर जरूर देखेंगे सर। ओके सर, गुड लक।